अयोध्या में आने के बाद ना और धाम पर बोलते रहे इस रास्ते को किसी को मिल गए। तो जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। तो फाइनली ना अभी हमारा अयोध्या में डे 3 है, ऊपर के 12-11 बज चुके हैं और अभी हमने ना दूसरे दिन धर्मशाला चेकआउट ले लिया है। तो चलो चलते और अभी किसी होटल में रूम लेके सामान वगैरह रख के बढ़ते हैं अपने दशरथ महल, कनक भवन और बाकी सरयू रिवर के यहाँ पर बोटिंग करने के लिए। चलो पीस आउट। और गाइस यहाँ पर ना अपना एक टिप है, विंटर में मत आना। अगर विंटर में आ रहे हो तो कपड़े दबा के लेके आना और ज़्यादा से ज़्यादा वन नाइट के लिए आना, ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पर मत आना, बहुत गंदी ठंडी रहती है। और बाकी समर में यहाँ पर आ जाना, मज़ा आएगा। चलो इतना ही टिप था, बाकी आप देख लेना आपको जैसा अच्छा लगे। चलो फिर क्या, प्रभु की कृपा से 20 मिनट में नया होटल बुक करके सारा सामान रूम पे रख के हम निकल पड़ते हैं अयोध्या घूमने। फिर सुबह की भूख को शांत करने के लिए हम ले लेते हैं एक वेज फ्रेंकी। तो बस फाइनली सब सामान ना रूम पे रख के अपन ना निकल चुके अपने सरयू नदी के यहाँ पर। तो सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया था इसलिए ना अभी ना एक रोल खा रहे हैं जो कि वेज रोल है। तो मतलब अयोध्या में तो सब वेज ही मिलेगा अपने को। तो वेज रोल खा के उसके बाद बढ़ेगा अपने सरयू नदी के यहाँ पर, जो कि यहाँ से अपने को ना ई रिक्शा यहाँ पर ना 10 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है। तो चलो चलते फटाफट खाते, चलिए। फिर फ्रेंकी खाते खाते ATM से 500 रुपये निकाल के हम निकल पड़ते हैं सरयू घाट के यहाँ पर। फिर अयोध्या की ठंडी हवाओं को महसूस करते करते हम पहुंच जाते हैं लता मंगेशकर चौक के यहाँ पर। पहुंच चुके लता मंगेशकर चौक के यहाँ पर, जहाँ पर ही अपना है ना सरयू घाट है। तो यहाँ पर थोड़ा बोटिंग वगैरह करेंगे। ये अपना लता मंगेशकर चौक बहुत ही बड़ा है, दिखने में आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही बड़ा है। तो गाइस चलो अभी हम यहाँ से ना लता मंगेशकर चौक के यहाँ से बढ़ रहे हैं अपने गोपाल घाट के यहाँ पर, मतलब जहाँ पर बोटिंग वगैरह चलते रहता है। चलो बाकी बोटिंग करते, फुल मजा आएगा, फुल राइडिंग, फुल राडा। तो चलो सर्वप्रथम सरयू घाट के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर लौटते हैं, ये सोच के इन भगवाधारी रास्तों पे टहलते टहलते हम पहुंच जाते हैं राम की पेड़ी के यहाँ पर। पहुंच चुके हैं राम की पेड़ी के यहाँ पर, जहाँ पर इन्हें लाइटिंग शो होते रहता है शाम के टाइम पे, बहुत ही खतरनाक वाला आपको आवाज में दिख रहा होगा। तो वो सब यहाँ से होता है, आपको दिख रहा होगा। तो और यहाँ पर ना सुबह सुबह लोग नहाने के लिए भी आते हैं। तो बाकी अभी के लिए तो बंद हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, आपको जैसे पता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस सुबह सुबह ना यहाँ पर नहाने के लिए आ सकते हैं अपन, लेकिन ना पानी इतना ठंडा रहता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आए नहीं नहाने के लिए। चलो अभी ना हाथ करके देखते हैं कितना ठंडा पानी है। चलो भाई ठंडा, भाई पानी तो नॉर्मल है, अपन यहाँ में इसमें नहा सकते हैं अभी के टाइम के लिए, इतना ठंडा तो नहीं है। तो अपन देखेंगे कल परसों आ जाएंगे यहाँ पर नहाने के लिए। फिर माथे पे प्रभु का नाम लिख के हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस हम पहुंच चुके अभी ना ऐसे प्लेस पे जिसे ना अपने ना रील में बहुत बार देखा होगा, जिसे ना जैसे आराम बोल के ना बहुत बड़े अकाउंट में ना यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आप फोटो शूट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतना पीसफुल है ना, बस यहाँ से यहाँ पर आने के बाद ना बंदर से बच के रहना, और बाकी यहाँ का एरिया पूरा एकदम क्लीन है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, संभल के आना। फिर जय सिया राम कह के हम पहुंच जाते हैं सरयू घाट के यहाँ पर, जहाँ पर आज हम बोटिंग करने वाले हैं। तो गाइस देखो अभी ना अपन वहाँ से चल के आए थे, और मतलब इस गली में से आए थे। इस गली से आने के बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, देखो इतनी बड़ी नदी यहाँ पर सामने है और यहाँ पर ही बोटिंग का पूरा सिस्टम चलते रहता है। देखो वहाँ पर ना लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने को वहाँ पर जाना पड़ेगा उधर साइड पे। तो चलो उधर जाते, अरे भैया हाँ, तो उधर जाते हैं और वहाँ पर बोटिंग करने के लिए पेमेंट करके बोटिंग करते हैं मस्त ऐसा। चलो चलते हैं। और गाइस देखो आपने ना रील में भी बहुत टाइम देखा होगा कि ना ये आपको स्ट्रक्चर दिखता होगा अपने प्रभु का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। और ये सामने इसका कुछ ऐसा व्यू है पूरा, तो फुल एक्सप्लोर कर रहे हैं अपन भाई, फुल राड़ा कर रहे हैं अपन यहाँ पर आने के बाद, बहुत ही मजा आ रहा है, फुल राड़ा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा बोट फिक्स हो चुका है, ये पीछे वाला बोट है इसमें हम जाने वाले हैं, और बोट का पर पर्सन प्राइस 120 है। तो चलो फ्लेक्सिबल होते रहते हैं अमाउंट, तो बाकी कोई नहीं, चलो अपन बढ़ते आगे। चलिए देखो कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पर चलने का, भगवान। तो गाइस फाइनली बोट के अंदर आ चुके हैं, तो अभी बैठते हैं यहाँ पर किधर तो मस्त कोपरे में, और फिर पूरा घाट घूमेंगे यहाँ वहाँ कर। चलो बोट के अंदर बैठने के बाद ना अपने को ऐसा जैकेट मिलता है सेफ्टी के लिए, तो चलो अच्छी बात है, सेफ्टी फर्स्ट, जान बची के तभी दुनिया घूमेंगे। चलो पहनने के बाद आपसे मिलते हैं। फिर जल्दी से जान बचाने वाले कपड़े पहन के, यानी लाइव जैकेट पहन के थोड़ी देर इंतजार करके हमारी बोट निकल पड़ती है। फाइनली बोट चालू हो चुकी है, तो अभी फुल राइड करेंगे, मस्त ऐसा मजा करेंगे, आपको दिखाता हूँ आगे, देखते रहिए। जिंदगी में पहली बार इतनी छोटी बोट में बैठ के इन खूबसूरत नजारों को देखते देखते मन में एक ख्याल आता है। अयोध्या में आने के बाद ना अगर आपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन और ये बोटिंग राइड नहीं की ना, तो कुछ नहीं किया, तो जरूर आना और दर्शन तो करेंगे करेंगे, और उसके बाद बोटिंग राइड भी करो, बहुत ही मजा आएगा। तो अभी वैसे तो हम बोट में बैठे राडा कर रहे हैं।
फिर अंत में लक्ष्मण घाट और सराय नदी के 10 मिनट बोटिंग करने के बाद हम आ जाते हैं किनारे पे। बोटिंग करके तो आ चुके अभी यहाँ पर, लाइफ जैकेट उतरते और बढ़ते बाहर अपने अगले स्पॉट के यहाँ पर। चलिए फुल मजा आया, आप भी आओ अयोध्या में और बोटिंग करके जाना, फुल मजा आएगा। राड़ा फुल राड़ा अच्छा गावत। चलो गाइस फाइनली आर सिस्टम है भाई, चलो भाई पेमेंट करते हैं और बाहर बढ़ते हैं। किनारे पे आने के बाद बोट वाले अंकल को धन्यवाद करने के बाद हमें पता चलता है कि इसी नदी में हमारे प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि ली थी और वैकुंठ धाम लौटे थे। सच में जब मुझे ये बात पता चलती है तब दिल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इस पावन नदी में हमारे प्रभु श्री राम जी ने अपने अंतिम कदम रखे थे, यह सोच के ऐसा लगा कि दिल का एक हिस्से का टुकड़ा अलग हो गया। फिर अंत में इस नदी का आशीर्वाद लेके हम बढ़ते हैं आगे। चलो गाइस फाइनली पूरा बोटिंग वगैरह हो चुका है अपना, तो अभी जाएंगे अपने लता मंगेशकर चौक के यहाँ पर जाके थोड़ा सा शूट करेंगे, थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा फोटो शूट करेंगे। फिर अयोध्या के इन शरारती वानरों को देखते हुए थोड़ी देर राम की पेड़ी के यहाँ पर वक्त गुजारने रुक जाते हैं। थोड़ी देर राम की पेड़ी के यहाँ पर रुकने के बाद हम निकल पड़ते हैं लता मंगेशकर चौक के यहाँ पर। अयोध्या की दीवार पे निकाली हुई इन कलाकृति को देखते देखते हम पहुंच जाते हैं लता मंगेशकर चौक के यहाँ पर। फाइनली पहुंच चुके अपन अपने लता मंगेशकर चौक के यहाँ पर। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए देखो ये सामने लता मंगेशकर चौक है, तो यहाँ पर फोटो शूट करते हैं और आपको यहाँ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो चलो चलते बढ़ते आगे। चलो कहते हैं कि लता मंगेशकर चौक ये अयोध्या का मुख्य चौक है, जहाँ से गोंडा, लखनऊ और अयोध्या के नए एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। और भारत के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का उत्साह इतना था कि लोग दूर दूर से साइकिल पे सांप को गले में डाल के ला रहे थे। भाई बंदे मानते ही नहीं भाई, सांप को लेके आ गए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके अपने लता मंगेशकर चौक के ऊपर। तो देखिए ये अपना लता मंगेशकर का चौक, जो उनके नाम के ऊपर पूरा एरिया का नाम रखा है और उनका मतलब जो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो यहाँ पर उनको बीच में सेंटर में लगा है चौक के यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ है, आपको मैं इसका ड्रोन शॉट दिखा दूंगा यूट्यूब से जो भी रहेगा स्टॉक में। बाकी देखो यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम जी अपने और हनुमान जी का यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर है और उसके सामने ये सब कुछ है। तो भाई बहुत ही सही लग रहा है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर लता मंगेशकर चौक से 50 मिनट दूरी पे हम आ जाते हैं धाम पथ पे, जहाँ पर बड़े बड़े स्तंभों पे सुनहरे अक्षर में जय श्री राम लिखा हुआ है। तो गाइस लता मंगेशकर चौक के बाजू में ना आपको ये जो बड़े बड़े पोल दिख रहे हैं ना, जिसके ऊपर जय श्री राम बोल के लिखा गया है, धाम पथ बोल के ना इस रास्ते को बोला जाता है। और इस धाम पथ रोड पे ना ये बड़े बड़े पोल लगाए गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो देखिए इतने नए नए बोले गए ना, यहाँ पर ना 60 से 50 पोल यहाँ लगाए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं ऐसा। और रास्तों के दोनों बाजू में करे हुए इन कलाकृतियों को देख के मन भर जाता है। फिर थोड़ी देर इस खूबसूरत धाम पथ पे वक्त गुजरने के बाद शाम के 5 बजे हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। फाइनली हम आ चुके अपने रूम के यहाँ पर रिक्शा में। धन्यवाद अंकल जी, थैंक यू, मंडली आभारी है। फाइनली आज का अपना ना अयोध्या का ब्लॉग यहाँ पर एंड करना होगा। तो आज के ब्लॉग में ना अपन ने बस ना अपने ना बोटिंग किया है यहाँ पर अयोध्या में, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं सके। तो अब कल ना अपन सुबह सुबह निकलेंगे 6-8 बजे, नहीं तो 7-8 बजे, और कल का दिन अपन ना बहुत सारे प्लेसों को विजिट करने का ट्राई करेंगे। तो देखते कल का कल, अभी तो अपन घर पर जा रहे हैं और ना अभी ब्लॉग एंड कर रहे हैं। बाकी पीस आउट, जय श्री राम, राधे राधे। बाकी चलो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह, बाय।